जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पत्नी टॉप पर सड़कों की जो हाल है वह बेहाल है। आम आदमी पार्टी यहां पर आरोप लगा रही है केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के निर्माण और विकास में हमेशा से विफल रहे हैं। यहां के क्या कुछ हालात है चलिए आपको दिखाते हैं। एलजी साहब नमस्ते। एलजी साहब मैं इस टाइम पत्नी टॉप टू सन्नासर जाने वाले रोड पर खड़ा था। इस रोड की यह बुरी हालत है, ये तो देखा दो कैमरे के माध्यम कने खड्डे खड्डे उपर खड्डा खड्डे उपर खड्डा। एलजी साहब जेल्लै मैं पत्नी टॉप कोलू एंटर हुआ सन्नासर की तो साढ़े को 40 रुपए की पर्ची लैती गई। पर्ची लैती ही पत्नी टॉप डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने। पर्ची का इे मकसद हा कि रोडें की मेनटेन करना, साफ सफाई की मेनटेन करना, पर गर्मी का टाइम है तो टूरिस्ट बदना लखे हिसाब कने टूरिस्ट आवा दा, पर जड़ी रोज की गड्डी 1000 को प्लस गै होंदी है मती गै होंदी है। जड़ी सोर्स ऑफ इनकम रोज का है वो 5 लाख को उपर गया, पर जरा 2-3 महीने जो पैसा कट्ठा होना वो करोड़े के हिसाब कने होना, लेकिन जरा पैसा लै करते वो रोड की मरम्मत नहीं करा दे। रोड़े की बुरी हालत अज देखा तो खड्डे रोने पे दे। एल जी साहब जम्मू कन्नै हमेशा बेइंसाफी हुई है, बेइंसाफी पहले कश्मीर के लीडरें की थी, हूँ भाई दिल्ली आए या फिर बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी करना शुरू कर दिता, क्योंकि जम्मू के लोगों की क्या गलती है। अगर जम्मू के लोग इतना आते कुछ गर्मी से ठंडी हवा का फनाका खाते, क्योंकि गर्मी ठंडी हवा का फनाका एल जी साहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अज बड़ी बुरी हालत है। ये देखा तुम कैमरे के माध्यम कने रोड नामो निशान नहीं है। एल जी साहब ये पत्नी टॉप का टूरिस्ट स्पॉट एरिया है, जम्मू डिवीजन कने बेइंसाफी है। अज खड्डे देखो, ये देखो बजरी कटी, ये देखो एल जी साहब झूठ नहीं मारा मैं, ये देखो ये बजरी है। एल जी साहब ये पत्नी टॉप टू सन्नासर जाने वाला रोड है। एल जी साहब ये देखो, ये देखो एल जी साहब, एल जी साहब देखो। एल जी साहब मैं ये गल सुना चाहना तुसें गी, एल जी साहब ले जाओ अफसरें गी कन्ने लाओ ठंडी हवा फनाका, तो कन्ने इंदे अफसरें दे कन्न खिचो, कन्न खिचो एल जी साहब, कन्न खिचगे तो इन्हें लोगों रोड की ठीक करना। मैं पूरा यकीन है एल जी साहब तुंदे उपर कि तुस तुंदे कन्ना की आवाज़ जल्दी पौंदी है ना, तुस बड़ी जल्दी एक्शन लैंदे हो। तो एल जी साहब जम्मू कन्ने बेइंसाफी होआ दी, उस बेइंसाफी की दूर करो भाई, रोड ठीक करो। इन्नी बुरी हालत रोड़े की, इन्नी बुरी हालत। एक गल हो सुना तुम्हें मैं भाई, जो पैसा ला दे गड्डिया की तो बुरी हालत होआ दी होआ दी, साफ सफाई नहीं, इन्नी साफ सफाई ताई कोई रस्ते दो चार कोई बाथरूम बनाई ओड़ो, क्योंकि पब्लिक प्लेस है टूरिस्ट प्लेस है, रस्ते ही सन्नासर तो कोई बाथरूम नहीं। और मैं एक गल आखना चाहना एल जी साहब तुसें गी कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब उन्दे के भी अपील करना, पर तुस भी कुछ ठंडी हवा फनाका लाओ नहीं था। और बड़े बड़े लीडर जिंदी कंस्टिटुएंसी है इले हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी पावर बैठे थे, PMO च बैठे थे, मंत्री ने सेंटर के पूरे हिंदुस्तान के मिनिस्टर न, लेकिन ये देखो कैमरे के माध्यम कने साढ़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की कंस्टिटुएंसी की यह लोगों की हालत है। ये देखो एल जी साहब अगर G20 कश्मीर हुआ दी है ना, कुछ G20 दे जेडे 12 देशों के आने को इधर बाई रोड चली गए ना, तुम्हें बोल खुली जानी, तुम्हें बोल बिल्कुल खुलनी, क्योंकि अपने लागे काम नहीं करा दे। और जरा पैसा एल जी साहब मैं तुम्हें एक गल और रखना चाहना, एल जी साहब जरा पैसा है ना इतू कम से कम 5-7 करोड़ रुपया कट्ठा करना, और 5-7 करोड़ जाना कुछ है ये तो मैं समझ नहीं आवा दी, ये किन्ने भाई बाल न। एल जी साहब तुम तो पता 2 मिनट करी सकते, पर कोशिश मम्मी करा ना, अगर मैं पता लगे ना मैं जरूर तुम्हें सुना। और जड़े लीडर थोड़े दिन पहले इतने कांग्रेस का भी शिविर लग गया हा भाई, कांग्रेस ने भी ठंडी हवा खाधी, कांग्रेस के लीडर भी ठंडी हवा खाधी, लेकिन रोड के बारे की डिवेलपमेंट के बारे कांग्रेस भी गल नहीं करती, कोई पार्टी गल नहीं करती। ओ शर्म करो लीडर, ओ शर्म करो, ये जम्मू कन्नै बेइंसाफी कदों तरी चलती रहनी, हूँ असें बेइंसाफी नहीं होंदे नी। एल जी साहब, एल जी साहब लाओ फराटी, एल जी साहब खाओ ठंडी हवा का फनाका, एल जी साहब फिर कटी कड़ाका उड़ो, एल जी साहब कटी कड़ाका उड़ो, इस बारी कसम करे आखा ना, अगर तुम्हें मेरी गल सुनी ना मैं पूरा यकीन एल जी साहब पर। एल जी साहब तो लोगों का पॉइंट नहीं है, एल जी साहब अगर तुम्हें 15 दिन तो लोग पॉइंट ही ना, मैं पता लगी आ मैं 15 दिन पक्का द्वारा टूर लांग थे,
और द्वारा मैं शुक्रिया था गन भी होगा है लेकिन एल जी साहब सुनी ला एक बार आनो डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर जो लुक पानी है खिचो कन लम्मा करी दो कन आई क्योंकि तुम्हारे को बड़ी पावर है बड़ी ताकत है करी लो इस्तेमाल के फर्क पाता एल जी साहब क्या फर्क पाता जय हिंद जय भारत।